नमस्कार, आप देख रहे हैं KYNPost.com। मध्य प्रदेश की पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के बाद अब भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने नया बयान देकर सबको चौंका दिया है। सोमवार को संत नगर में हुए एक आयोजन में लोगों को संबोधित करते हुए प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि वह रोज गौमूत्र का सेवन करती हैं और उन्होंने दावा किया कि इससे उन्हें कोरोना नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। उन्होंने गौमूत्र को जीवनदायिनी बताते हुए कहा कि मैं इसे औषधि के रूप में लेती हूं और भगवान से प्रार्थना करती हूं कि आप अमृत का स्वरूप हैं, हम ग्रहण कर रहे हैं, मेरे जीवन की रक्षा करें, मेरा जीवन राष्ट्र के लिए है। इसके बाद उन्होंने गौमूत्र का सेवन करने की विधि और कौन सा गौमूत्र औषधि गुणों वाला होता है ये भी बताया। अपने भाषण में उन्होंने ये भी कह दिया कि इससे लंग्स का इन्फेक्शन दूर होता है। हालांकि एक्सपर्ट्स ने इस दावे को नकारते हुए कहा कि गौमूत्र पेट की बीमारियों और कैंसर के शुरुआती दौर में भी कारगर है, लेकिन कोरोना को रोकने में कारगर नहीं है। KYNPost.com की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।